विजयनगर में व्यापारी एसोसिएशन ने 12 मई से 17 मई तक सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण ना फैले इसके चलते ये अहम फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस का कहर देश भर में जारी है। वहीं विजयनगर पहुंचकर एचबीएन की टीम ने व्यापारियों से खास बातचीत की और जाना कि लॉकडाउन का उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा। व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए राउंड बना रखे हैं और आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन पर व्यापारियों ने कहा कि लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, हालांकि वो सरकार के दिए आदेशों का पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हो एचबीएन न्यूज चैनल। बात करें कि तीसरे चरण का लॉकडाउन जब चालू है देश भर में, तब गुजरात के अंदर बात करें तो कई जगह छूटछाट दे दी गई है। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं जो विजयनगर तहसील के अंदर, यहाँ जो छूटछाट दी गई है इसकी वजह से कई दुकान भी खुली है। चलिए हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ था तब उन व्यापारियों को कितना हालाकि महसूस करनी पड़ेगी, वो हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे। निखिल शाह हमारे साथ, निखिल शाह जुड़ चुके हैं, उसके बात करने की कोशिश करेंगे। जब लॉकडाउन बंद हुआ था तभी उसका व्यापार में कितनी असर पड़ी है, कितनी मुश्किलें सामना करना पड़ा है, हम उसको बात करने के। सर, किस तरह से आपको महसूस होगा? मुश्किल तो बहुत पड़ी है, मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये लॉकडाउन जब शुरू किया इसके बाद उसको चालू करने का नहीं था, वो और आगे जाने का था। ये खोला है, साग भाजी भी बंद करनी पड़ती है, ये सबके सब पे आफत आई है, तो वो सहन करना पड़ेगा। और लॉकडाउन अभी भी चालू रखो, ऐसी मेरी आशा है कि अभी लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये महामारी बहुत सारी मुश्किलें सामना करना पड़ता है। चलिए हम आगे भी कोशिश करेंगे। पहुंचे हैं यहाँ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुंदर साहब जी, इसके बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से आपकी दुकान बंद हुई थी, अभी ये सरकार ने जो छूट छाट दी गई है, उसी वक्त आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है, छूट छाट तो दी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि लॉकडाउन ज्यादा समय तक होना चाहिए। वो सरकार सब कुछ दे भी रही है, फिर भी लोग एक दूसरे को मिलते हैं, कई कोई वो सोशल डिस्टेंस भी रखते नहीं है, जहाँ तहाँ बार बार घूमते हैं, देखने के लिए जाते हैं जहाँ कहीं भी। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और जनता को कुछ अपील करना चाहते हैं? जनता को कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन के बारे में अपन खुद सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, तो ये अपना देश बचा सकेंगे। नहीं तो दुनिया के जो दूसरे देश में जो कुछ फैला हुआ है वैसा अपने यहाँ फैल जाएगा। तो बहुत जो बात की, बहुत अच्छी तरह से बात की है, इसने लिया बड़ा फैसला। 12 मई से 17 मई तक बंद रहेगा ये बाजार।